दोस्तों मेरे हाथ में ये लैपटॉप है, एप्पल का प्रोडक्ट है, कोर i5 फिफ्थ जनरेशन का लैपटॉप है और ये मैकबुक एयर 2015 मॉडल का जो है यानी ये सिस्टम है। दोस्तों ये एक अमीरों वाला नशा है, आप लोगों में से अक्सर लोगों ने देखा होगा कि वो लैपटॉप के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मेरे पास तो लैपटॉप आ गया है, अब इसमें साइड इफेक्ट्स क्या है, इसके फ़ायदे क्या है वो आप लोगों को बताता हूँ। और एक बात मैंने और भी की कि ये एक नशा है अमीरों वाला, तो ये अमीरों वाला ही है, ये सच मैं बता रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। वो किस तरह है मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों ये जो सिस्टम है मैकबुक एयर, ये 2015 मॉडल है, तो अगर आप 2015 मॉडल लेते हैं तो ये एक ओल्ड मॉडल में आता है, पर अगर आप थोड़ी सी लेटेस्ट मॉडल लेना चाहते हैं जिसमें फाइनल कट, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो ग्राफिक और वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो आप फाइनल कट इसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो मतलब जो आपका मुतालिका काम है उसमें आप अपना काम पूरा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसके ऊपर इतने ज़्यादा पैसे दे रहे हैं और आपका काम भी नहीं कर रहा, तो ये हुआ ना अमीर वाला नशा। अब दोस्तों किस तरह ये दूसरे लफ्ज़ों में ये अमीरों का नशा है, वो ये इस तरह है कि इस प्राइस में यानी जो मार्केट में ये आजकल अवेलेबल है पाकिस्तान में, ये 55,000 से लेके 70,000 रुपये में मार्केट में अवेलेबल है। सऊदी अरब की अगर बात कीजिए, दुबई से अगर आप लेते हैं तो यूज़ में आपको ये 1,000 से 1,300-1,400 रियाल तक आपको मिलता है। तो इस तरह इसकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, पर अगर आप इसी प्राइस को विंडो के साथ कंपेयर करेंगे तो इसमें आपको एक अच्छी गेमिंग सिस्टम मिल सकती हैं, अच्छी यानी स्पेसिफिकेशन के साथ एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट मिल सकता है। दूसरी बात यह है ये हर एप्लीकेशन को या हर वेबसाइट को एक्सेस नहीं देता या हर तरह की चीज़ ये एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो इसके ऐप स्टोर के अंदर आता है वहीं आप इसमें इंस्टॉल करेंगे या जिन चीज़ों का ये इजाज़त देते हैं वहीं आप यूज़ करेंगे। जबकि हम हमारी तरह छोटी यूट्यूबर्स को जो है बहुत ज़्यादा फ्री एप्लीकेशन चाहिए होता है, फ्री वेबसाइट चाहिए होता है, पर यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है, बल्कि हर चीज़ के लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों हुआ ना अमीरों वाला नशा। अब यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूंगा इसके यानी बिल्ड क्वालिटी के या इसकी यानी सिस्टम की बात करूंगा, सबसे पहले दोस्तों चलो मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूं, तो यहां पर ये चीज़ जो है ये बाजी ले जाता है, ये बिल्कुल यानी बहुत अच्छी एल्युमिनियम मैड है, यानी अगर आप इसको ऐसे बेंड करेंगे या उसको इसकी क्वालिटी देखेंगे तो ये दूर से आपको पता चल जाएगा कि हाँ वाकई एक अच्छा सिस्टम है, एक बेहतरीन है, रिलायबल है। अब दोस्तों बैटरी वगैरह की बात की जाए तो 3 से 4-6 घंटे इजीली आराम से ये आपको बैकअप देता है, तो यहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त है ये। पर अगर हम दोस्तों इसकी यानी थिकनेस की बात करेंगे तो या आप चेक कर सकते हैं मेरे हाथ में, शायद आपको अभी नज़र भी नहीं आ रहा होगा, ये इतना पतला है। तो शशके देने वाली एक सिस्टम है, यानी अगर आप स्टूडेंट वगैरह है यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, पर अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, आप यूट्यूबर है, आपको थर्ड पार्टी एक्सेस चाहिए, आपको थर्ड पार्टी जो है एप्लीकेशन चाहिए, आप जो है मुख्तलिफ टास्क को जो है पूरा करते हैं ऑनलाइन, तो ये लैपटॉप आपके लिए नहीं है, बल्कि ये सिर्फ स्टाइल के लिए है, ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने के लिए है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा इसकी थंडरबोल्ट की, तो यहाँ पर एक ही थंडरबोल्ट लगाया गया है, ये बहुत बड़े बड़े सिस्टम उसके अंदर आपको नहीं मिलता, पर हाँ यहाँ पर एक थंडरबोल्ट का मतलब ये भी नहीं हुआ कि आपके सारे मसले हल हो गए। अब दोस्तों ये थंडरबोल्ट एक है, तो अगर आपको VGA या LCD आपने कनेक्ट करनी है तो उसके लिए आपको एक अलग से सिस्टम लगाना होगा, तो वो 10-15,000 रुपये का वो छोटा सा सिस्टम लगता है। अब अगर आप को USB चाहिए, इसमें सिर्फ दो पोर्ट्स आपको मिलते हैं, एक इस साइड पर एक यहाँ पर, तो USB के जो पोर्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ दो अवेलेबल है, एक में आपने माउस लगा लिया, एक में आपने USB लगा दी। अब आपने कोई और चीज़ इसके साथ कनेक्ट करनी है तो आपको जाहिर सा बात है ज़रूरत पड़ गई, अब आपने क्या करना है एक और सिस्टम लेना है इसके लिए, तो वो भी 10-15,000 रुपये का मिलता है, क्योंकि एप्पल की चीज़ें इतनी सस्ती नहीं होती। जो आप दूसरे सिस्टम लेते हैं या छोटे से प्रोडक्ट्स लेते हैं इसके लिए, वो आपको न्यू लेना पड़ेगा, मार्केट में ओल्ड अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी प्राइस नॉर्मली 10-15,000 रुपये होते हैं। तो ये एक अमीरों वाला नशा यहाँ पर भी हुआ दोस्तों। अब दोस्तों मैं ऑडियो जैक की बात करूँगा, तो चलो ये एक नो प्रॉब्लम यानी इतना बंदा यानी यूज़ कर सकते हैं, 3.5 mm इसके ऑलरेडी अवेलेबल है, नॉर्मल लैपटॉप्स के अंदर आता है। पर अगर हम SD कार्ड की बात करेंगे तो दोस्तों इसमें तो SD कार्ड अवेलेबल है,
पर जो 2017, 18 और 19 मॉडल के जो M2 चिप वाले हैं उसमें SD कार्ड भी अवेलेबल नहीं है, बल्कि USB पोर्ट भी सिर्फ और सिर्फ एक है, और आपको जो थंडरबोल्ट के ऑप्शन मिलते हैं वो भी सिर्फ दो है। तो थंडरबोल्ट पाकिस्तान में लोगों के पास कौन सी ऐसी केबल मौजूद है जिसको थंडरबोल्ट के साथ लगाते हैं, बल्कि इसके लिए आपको एक सिस्टम ख़रीदना है, वो सिस्टम के थ्रू आप थंडरबोल्ट को कनेक्ट करेंगे, तब जाके आप ऑडियो जैक इस्तेमाल करेंगे, USB इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको यानी इसके अंदर जो है WLAN इंस्टॉल करनी है, सॉरी WLAN कनेक्ट करनी है, तो इसमें ऐसे कोई इशू है, सॉरी इसमें ऐसे कोई पोर्ट है नहीं जिसमें आप WLAN यूज़ कर सकें। यानी अगर आपको वाईफाई नहीं कनेक्ट करनी, वाईफाई का ऑप्शन इसमें मौजूद है, पर अगर आपने डायरेक्ट लाइन यूज़ करना है तो इसके अंदर कोई भी ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं है। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गई दो तीन बात ये। अब VGA केबल की बात की जाए तो इसके लिए कोई VGA पोर्ट मौजूद नहीं है। इसके अलावा और काफ़ी सारे पोर्ट्स हैं जो नॉर्मल विंडो लैपटॉप में आते हैं पर इसमें अवेलेबल नहीं है। अब एक और इससे भी बड़ी इशू दोस्तों इसमें यह है कि इसको आप जो है मॉडिफाई नहीं कर सकते, यानी इसके अंदर SSD रैम जो जितना आता है कंपनी की तरफ से वही आपने इस्तेमाल करना है। पर अगर हम यहाँ पर विंडो की बात करेंगे तो आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं, यानी अगर आपके पास आप सपोज गेमिंग करना चाहते हैं, आप अपने लैपटॉप को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आप इजीली इसमें रैम बढ़ा सकते हैं, इसके हार्ड बढ़ा सकते हैं, SSD बढ़ा सकते हैं, इसमें आप ग्राफिक कार्ड वगैरह भी लगा सकते हैं, पर यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है, जो है सो है। अब दोस्तों इसकी सिस्टम की बात करेंगे तो इसका सिस्टम भी अपना है, यानी इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है macOS, अभी तो macOS थोड़ा सा पुराना हो गया क्योंकि M2 और M1 जो चिप्स ऑलरेडी यानी 9 जनरेशन के वो इस्तेमाल हो रहे हैं लैपटॉप में एप्पल वालों की, पर इसकी अगर पुरानी विंडो के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो उसमें यह है दोस्तों कि इसकी जो चिप्स है यानी इसके अंदर जो सिस्टम लगाए गए सॉफ्टवेयर है, तो विंडो में आप किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर यानी इंस्टॉल कर सकते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, सिर्फ macOS ही आपने इस्तेमाल करनी है। अब दोस्तों आप यहाँ पर कोई सी भी ऐप इंस्टॉल कर भी लिए इनकेस आपने और इसमें आपको मिल भी गया, उसके बाद क्या है कि हर एक दो कदम आगे जाके आपको पे करना होगा, भाई ये इसके इतने चार्जेस हैं, इतने इस चार्जेस हैं, उतने चार्जेस हैं, इसी एप्लीकेशन के इतने पैसे हैं, उसके इतने पैसे हैं, तो जहाँ जहाँ आप कदम रखेंगे यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो पेमेंट होती है वो वन टाइम पेमेंट भी नहीं होती, अगर आप विंडो में चीज़ लेते हैं तो वन टाइम पेमेंट होती है, आप एक दफ़े इसको पे करेंगे वो आपको एक जो है फाइल देगा वो डाउनलोड करके आप ले लेंगे, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है, हर मंथ आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। ये वीडियो जो है मैं इसलिए बिल्कुल आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि जो लोग शौकिया तौर पे रखते हैं तो ठीक है रख लें, अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं जस्ट वीडियोज़ देखते हैं, पर अगर आप काम करते हैं ऐसे, आपको कोई चैनल चलाते हैं, कोई ब्लॉगिंग करते हैं, वीडियो एडिटर ग्राफिक का काम करते हैं, तो ये लैपटॉप आपके लिए नहीं है दोस्तों। विंडोज़ का लैपटॉप आप अपने पास रखें, और एक अच्छी लैपटॉप है आप अगर एप्पल के प्रोडक्ट लेते हैं, इवन आप बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल भी लेंगे तो ये उससे ज़्यादा आपको खर्चना पड़ेगा जितने में आपको लैपटॉप मिलती है। तो दोस्तों ओवरऑल ये एक अमीरों वाला नशा है, और मेरे ख्याल से आप लोगों को विंडोज़ की तरफ जाना चाहिए, और अगर आप यानी ग्राफिक या कोई बड़ी काम नहीं कर रही या बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करते तो तब आपको ये सिस्टम ज़रूर खरीदना चाहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।